चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसका चांद पर अब कब्जा है, मैं तो यूं कहूंगा। और अगर हम चांद के साउथ पोल की बात करें तो उसमें भारत पहला देश है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसके लिए भारत की सरकार, ISRO और भारत के सभी शहरी जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये एक ऐसा शुभ दिन है जिस पे हम बातचीत करेंगे प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ, हमारे साथ इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट रोहतक से जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत। सर बहुत बहुत विधाइयाँ, ये बहुत बड़ी खबर है, ये कोई छोटी खबर नहीं। और भारत, वो जैसे इकबाल का एक शेर है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पर डालते हैं कुमंद। मैं शेर को शायद ठीक से नहीं पढ़ रहा मगर कुछ इस तरह का ही है। तो सर सितारों पे क्या, अब चांद पे भी कमेंट डाल दी, तो क्या आपको लग रहा है ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है सर? देखिए जी, कि इसको अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में लें तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि आप ये देखें कि इंसान का जो वजूद है इस दुनिया में वो इसलिए है क्योंकि वो इमेजिन कर सकता है। इमेजिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग एनी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। और इंडिया में एक जो ट्रेडिशन है जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशन ऑफ हैविंग इमेजिनेशन, ये तो सालों बरसों साल एट द एक्सपेंस ऑफ साउंडिंग वेरी पैरोकियल और यू नो एक कंजर्वेटिव दकियन उसी आदमी की प्रोजेक्शन मैं नहीं देना चाहता, परंतु ये सच है। आप ये देखिए कि भारत की हिस्ट्री में, महाभारत में जब संजय धृतराष्ट्र के साथ बैठकर उनको दिल्ली में उस जमाने की हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र का पूरा ब्यौरा दे रहे थे तो वो इतनी दूर से वो देख पा रहे थे। इसका मतलब ये है कि आज से हजारों साल पहले लोगों का एक विजन तो था कि वो दूर दर्शन कर सकते हैं, कि दूर से एक चीज को किसी जरिए से देख सकते हैं। नाउ वेदर यू नो वी हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन दैट इन द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी और नॉट, बट एटलीस्ट पीपल हैड द इमेजिनेशन। अभी मैं रिसेंटली एक फिल्म देख रहा था, उसमें रामायण के ऊपर फिल्म बेस्ड थी, उसमें सीता माता को उठाकर रामायण उनको लेकर जाते हैं एक ऐसे यंत्र के ऊपर जिसको हवा में ले जाकर लंका में यू नो समुद्र पार लेकर जाते हैं, विच मीन्स एटलीस्ट समबडी हैड इमेजिन्ड एरियल ट्रैवल एट दैट पॉइंट। तो आपने सवाल पूछा ऑफ सिग्निफिकेंस, दिस इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। देर आर ओनली 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, रशिया, US, China and India, which have been able to land something on the moon. India is the only one which has been able to land something on the south side of the moon. Ye ek itna significant event hai. First of all, it puts India in a different class altogether in terms of scientific achievements and scientific endeavors. And second, it generates interest of millions of people. मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके चैनल के जरिए आज एक एक इंस्टीट्यूशन, आपके हमारे इंस्टीट्यूशन में बाहर, पिछले 3 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा था, आई ट्रैवल टू 3 सिटीज, ड्राइवर से लेकर जो बाहर रेडी लगाकर या यू नो जो छावड़े लगाकर लोग बैठे हुए हैं वो से लेकर डॉक्टरल स्टूडेंट्स, मास्टर्स स्टूडेंट्स से लेकर इंजीनियर से लेकर लॉयर से लेकर एक एक बंदा भारत का ये बात कर रहा था कि ये चंद्रमा पे यान कब उतरेगा। आप मानेंगे जी, आज हमारी मीटिंग चल रही थी जिस टाइम पे, ये तकरीबन 6:15 बजे के दौरान, तो बैकग्राउंड में टेलीविजन चल रहा था, मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड, दिस डेमोंस्ट्रेट्स इटसेल्फ, इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है कि यू हैव मोटिवेटेड एन एंटायर जनरेशन ऑफ इंडियन यूथ to participate in scientific endeavors, to develop a scientific temperament of achieving the impossible
in a country such as ours, which has had, an onslaught of invasions and near slavery for a period of almost 600-700 years, वहां के लोग अगर 75 सालों में इतनी तरक्की कर पाए हैं that they have come to the forefront of scientific accomplishments with meager budgets, ये बहुत बड़ी achievement है. तो दूसरा तरीका ये हो गया कि आपने यूथ को इंस्पायर कर दिया, और तीसरा आप जो खोज लगाएंगे, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट करेंगे, जो वहां से प्रोडक्ट्स, जो वहां से मटेरियल, जो वहां से आप पिक्चर्स लेकर आएंगे, उससे बहुत सारी प्रगति हो सकती है. उससे चाहे कोई प्रोडक्शन में, चाहे कुछ मेडिसिन में, चाहे कुछ डिस्कवरी फॉर फ्यूचर, उससे या मे बी इवन फॉर इमेजिंग अलोन, इट इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट. वी आर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड एन एक्सट्रीमली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ गैलेक्सी. एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्रोटेक्शन भारत को नहीं पूरे विश्व को, बाय अंडरस्टैंडिंग आवर आउटसाइड के बाहर के धरती से बाहर क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा. कल को कोई कैटास्ट्रोफीज होती हैं, कुछ होती हैं, एटलीस्ट कुछ देशों के पास इतनी नॉलेज तो है कि उसको थोड़ी सी प्रिडिक्टिव एबिलिटी, थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव एबिलिटी, प्रिडिक्शन भी और डिस्क्रिप्शन भी ऑफ दोज इवेंट्स, ये बहुत बड़ी 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 चीजें हैं. दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा स्टेप है जिससे कि आई थिंक द डायरेक्शन ऑफ द स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया विल गेट मच नीडेड शॉट. जी, आपने कहा कि आप भारत में देखते हैं तो रेडी वाले से लेके ऑटो रक्षा वाले तक, और नौजवानों का जो एंथुजियाज्म है इंटरनेट पे मैं देखता हूँ, वो यूँ लगता है कि जैसे चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो कई हफ्तों से वॉच कर रहे थे कि जी हर चीज़ स्मूथ चल रही है. एक एक पैशन है, वो शायद किसी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी वाला पैशन भी ना हो, वो किसी बहुत बड़े क्रिकेट मैच वाला पैशन भी ना हो. तो ये एक बिल्कुल एक नई बात है कि अपेरेंटली साइंस का कोई जो इवेंट होता है वो एक ड्राई इवेंट समझा जाता है, नौजवान उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते. क्या वजह है सर, आप खुद एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और नौजवानों से आपका बराह रास्त वास्ता रहता है, क्या वजह है कि इतना पैशन, इतना एंथुजियाज्म टूवर्ड्स इंडिया के इस साइंटिफिक मिशन की तरफ था, या नेशनलिज्म का उसमें फैक्टर था, या साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी देश है उसको बांधने के एक तरीके होते हैं. अब मैं आपको एक क्रूड एग्जांपल दे रहा हूं, बार बार घूम के हम हमारे नेबरिंग कंट्री के ऊपर आ जाते हैं, पाकिस्तान में. बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी वहां के साइंसदान ये बोलते हैं कि कश्मीर इज ओपियम फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि वो एक बांधा हुआ है उसमें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर एनी नेशन, उसके सर्वाइवल के लिए ना यू नीड समथिंग कंटिन्यूअसली पीरियोडिकली सो दैट द नेशन कम्स टुगेदर. बहुत सारी चीजें थे वॉर टाइम में, आप देखते हैं कि सब लोग अपने भेदभाव बुलाकर वो एक पीछे लग जाते हैं कि भाई हमको इस, कोई कैटास्ट्रोफी होती है, कोई अर्थक्वेक आता है, कोई फ्लड आते हैं, लोग अपने भेदभाव बुलाकर इकट्ठे हो जाते हैं, दे कम टुगेदर एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट. उसी तरह से ये जो मिशन है, ये जो मून की लैंडिंग है, आपको शायद याद होगा कि लास्ट टाइम द फाइनल स्टेप्स के ऊपर चंद्रयान 2 वाज नॉट एबल टू सक्सीड. आप उस टाइम देखिए कि प्रधानमंत्री जो भारत के हैं वो इसरो के चीफ से मिले, और इसरो के चीफ उनके साथ कंधे पे रोने लग गए कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया लास्ट स्टेप पे. तो लोगों की एक अपेक्षा तब से बनी हुई थी कि कब हम ये कर पाए. तो मुझे जो मेरा भाव ये है कि इतने सारे लोग जो हैं जब इकट्ठे होते हैं, ये एक बाइंडिंग एलिमेंट देश का बन जाता है. देर आर थिंग्स विच डिफाइन अ नेशन. आज की डेट में अब हमने एक स्टडी किया था 2020 और 21 में एज टू व्हाट इज द कैरिकेचर ऑफ इंडिया इन द आईज, व्हाट कम्स टू योर माइंड
आपके दिमाग में क्या आता है जब हम बात भारत की करते हैं? तो ये हमने दो सेट्स में इसको बनाया, एक तो जो भारतीय हैं और एक जो गैर भारतीय लोग। तो भारतीय जो लोग हैं उनसे पूछा जाता है कि भारत क्या है, तो बोलते हैं भारत है विविधता, डायवर्सिटी। भारत क्या है? भारत का मतलब है कि आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। भारत क्या है? भारत मीन्स ट्रेडिशन, जिसे हम कहते हैं इंडस वैली, सप्त सिंधु, या ये यहाँ हमारे राखी घड़ी, या एक सिविलाइजेशन। भारत क्या है? भारत एक थिंकिंग है। भारत क्या है? भारत एक एटीट्यूड है। भारत क्या है? तो ऐसे हम सवाल पूछते हैं। तो जब हम विदेशियों की बात करते हैं तो उनसे जब पूछा जाता है कि व्हाट कम्स टू योर माइंड, आपके दिमाग में क्या आता है जब हम भारत के बारे में पूछते हैं, हमने सब एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उनके दिमाग में सबसे पहले आता है, आप सरप्राइज होंगे, जो जो आदमी से पूछते हैं वो कहता है भारतीय फिल्में, बॉलीवुड। दूसरा योगा। तीसरा इंजीनियर्स, पर्टिकुलरली आईटी इंजीनियर्स, विच मीन्स टेक्निकल पीपल। और चौथा भारत की विभिन्नता। पांचवा गरीबी। छठा वो कहते हैं कि भारत के जो विभिन्न विभिन्न भाषाएं। तो ये पांच छह चीजें जो आती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज के इवेंट ने उनमें एक ये छठी या सातवीं चीज ऐड कर दी, कि भारत एक स्पेस, एक अंतरिक्षी पावर, एक अंतरिक्ष से रिलेटेड एक शक्ति, स्पेस पावर। तो ये लोगों के दिमाग में एक ऐड करना, एड अ डायमेंशन टू इंडिया, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं बहुत बहुत लोगों से पूछता हूं, तो जब भी हम बात करते हैं कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है तो प्रोग्रेस के क्या डायमेंशन, तो लोग कहते हैं देखिए जी आईटी, आईटी भारत के बिना आज दुनिया में आईटी के बारे में आप सोच ही नहीं सकते कि आईटी। दूसरा वो बात करते हैं इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं तो भारत की बात करते हैं। तीसरा वो बात करते हैं योगा की, कि योगा विच मीन्स प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करते हैं तो योगा के बिना बात नहीं हो सकती। और आज से कुछ साल में अब भारत एज अ स्पेस पावर, ये भी एक चीज गिनती में आएगी। और ये इसकी इसकी जो शुरुआत कई साल से चल रही थी हो चुकी थी, परंतु उसका कल्मिनेशन जो है ये अब, जैसे कि स्पेस रेस, जिसे आप याद होगा, आपको 1950s में स्पेस रेस शुरू हुई, रशिया ने इसके ऊपर लीड ली। जब रशिया ने अपना सबसे पहला 1950s में फर्स्ट पर्सन यूरी गैगरिन स्पटनिक में जब विदेश जब वो स्पेस में गया था, तो दुनिया में एक नया शब्द हमारी डिक्शनरी में आया, कॉस्मोनॉट। अमेरिका ने उसको कंपीट करके एस्ट्रोनॉट बनाया। आप सोचिए उसका वर्ड कॉस्मोनॉट बना दिया उन्होंने, कि ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई शब्द ही नहीं है, एक शब्द को डिक्शनरी में इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, कॉस्मोनॉट। आज हम उसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ज्यादातर कॉस्मोनॉट बोलना बंद कर दिया क्योंकि यूएसएसआर भी कलैप्स हो गया, बट दे इंट्रोड्यूस समथिंग एंड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड थॉट दैट दे वुड बिकम कॉस्मोनॉट्स। जो बच्चे थे उस जमाने में जिनकी उम्र 10-10 साल थी, बर्थ लेट 50s या अर्ली 60s में हुआ, वो कॉस्मोनॉट या एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। देवर ऑल्सो द फर्स्ट वंस, बाय द वे, ये लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मून पे पहली चीज लैंड करने वाला वो अमेरिका नहीं था, वो यूएसएसआर था। यूएसएसआर का लूना मिशन जो था, उसका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में 1958-59 में उन्होंने अपना ऑब्जेक्ट मून पे लैंड कर दिया। उसके 3-4 साल बाद अमेरिका ने अपना जो लूनर मिशन है, जिसमें उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज ऑल्ड्रिन तीन लोगों को मून पे भेजा, जिनमें से दो ने वहां पर पैर रखा और बाकी माइकल कॉलिंस अंदर रहे, उन्होंने नेविगेट किया। इस इट वाज क्रिएशन ऑफ ये ऑफ अ परसेप्शन इन द माइंड्स ऑफ पीपल कि ये एक प्रोग्रेसिव देश, ये बड़े देश है, इन्होंने फतह कर लिया है, ये वहां पहुंच चुके हैं जहां लोगों की इमेजिनेशन नहीं पहुंची। भारत को तो वो डिस्काउंट कर देते थे ना, कि हमारे यहाँ की चीजों को तो वो रिकग्नाइज करने से ही मना करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शायद एक बार बताया था कि मैं यूके में उनके म्यूजियम में गया, तो
तो वहां वो इंडियन सेक्शन ही नहीं है, इजिप्शियन सेक्शन है. वहां पर यू नो दे विल हैव अ सेक्शन ऑन मेसोपोटामिया, दे विल हैव अ सेक्शन ऑन इजिप्ट, दे विल हैव अ सेक्शन ऑन साउथ अमेरिका. इंडियन नाम ही नहीं है, उसको साउथ ईस्ट एशिया में क्लब करते हैं, बिकॉज दे डोंट रिकॉग्नाइज इंडिया. इवन नाउ दे बिलीव साउथ ईस्ट एशिया ये एक ऐसा कोई मुल्क वुल्क नहीं था, अपना देश उनका था जिसका भी कोई वजूद नहीं था, वैसे इतना छोटा सा देश है. बट दैट इज वन ऑफ द एरोगेंस विद व्हिच द वेस्ट ट्रीटेड इंडिया एट दैट पॉइंट. इंडिया getting inspired from that journey in 1950s itself established the atomic energy से related. उन्होंने अपनी एक body create की जिसको होमी भाभा जी lead कर रहे थे. आज तक लोग जानते हैं कि होमी भाभा जी जो कि इस देश की atomic energy और इस देश की scientific progress के एक स्तंभ थे, उनको उनको he was assassinated, he died. There is a speculation that he was assassinated. वो एक प्लेन क्रैश में. इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं, क्योंकि कहते हैं कि उनका असैसिनेशन किया गया था, सीआईए ने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया था. इट वाज अराउंड द सेम टाइम जिस टाइम पे शास्त्री जी का असैसिनेशन 1966 में ताशकंद में हुआ था. परंतु अब मैं ये बड़ा प्राउडली, हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली ये बड़ा प्राउड मोमेंट इसलिए है कि हमारे स्पेस एनर्जी के, स्पेस रिसर्च के सबसे पहले जो इंसान थे, जो कि भारत देश के पद्म विभूषण भी हैं एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यू नो माइंड्स इन इंडिया हु लेड दिस एंड क्रिएटेड सेवरल इंस्टीट्यूशंस, विक्रम साराभाई. अब व्हाई एम आई पर्सनली हैप्पी, विक्रम साराभाई वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद. 1961 में जब ये इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुई तो विक्रम साराभाई वाज द डायरेक्टर नॉट जस्ट ऑफ द स्पेस प्रोग्राम which later on became ISRO. उस वक्त उसका नाम ISRO नहीं था, उस वक्त it was a center for some you know space explorations and what not. He also was in 1961 the director of IIM Ahmedabad when it was started, and his contribution we must recognize today, how Vikram Sarabhai has been instrumental in creation of so many institutions including IIM Ahmedabad, where he was the director from 1961 all the way till 65, with a small period in between where he was not, but 61 to 65 he remained the director and he created another great institution. It is his you know greatness that he nurtured and sowed the seeds of ISRO, and ISRO today is making India proud. So I think I would say the first start was taken by Russia, America and followed. Then came China. China endeavored for going to the moon around the same time that India did. China was also able to make a lunar landing. India has not also been able to do it. This is a significant achievement. And having reached the South Pole, ये South Pole side के near land करना is very very difficult. So this is a significant achievement. India is the first one to do it. And it is also said कि उस side पे there is a perception and belief कि उस side पे water के sources हैं, तो this will be a significant achievement if one is able to get some evidence to that, and this will result in then meteoric rise in probably explorations to the moon. जी अच्छा, मैं ऑन द अदर हैंड एक और चीज़ को भी सर सोशल मीडिया के ज़रिए और कन्वेंशनल मीडिया के ज़रिए महसूस कर रहा हूँ, और ये आपका शोभा है बिकॉज़ आप डील करते हैं नई नस्ल को. और मुझे यूँ लगता है कि साइंस के बारे भारत में जानकारी इस प्रोजेक्ट के राही बहुत बड़ी, लोगों में, बच्चों में, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में, आप जैसे इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक अवेयरनेस एक्स्ट्रा लेवल पे क्रिएट हुई, और उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू की इंटरनेट के ज़रिए. ये हमें दिख रहा है जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे, उनके व्लॉग देखता हूँ. तो मुझे यूँ लगता है कि इस एक मिशन ने, यानी भारत के चांद पर पहुँचने के मिशन ने जो कई सालों से चल रहा है, लोगों में एक बड़ी अवेयरनेस क्रिएट की, और साइंस की जो है वो नॉलेज उन्होंने एक्वायर किया. तो सर आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जोश और जज्बा ही नहीं था, बल्कि लोग नॉलेज में भी अपने आप को इंडल्ज किया उन्होंने? देखिए कि एक
एक इंस्पिरेशन तो होती है, एक लाइन ऑफ वर्क. अब यू नो बैक व्हेन वी वर किड्स तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होती थी, माँ बाप हमें क्या कहते थे, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यू नो, या गवर्नमेंट जॉब एक्वायर करो. अब डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफेशंस कहाँ से आता है, जब आपको दुनिया में ये दिखता है कि ये भी एक ऑप्शन है, दिस टू इज एन ऑप्शन. यहां से आप अपनी जीविका भी चला सकते हैं, आपको समाज में एक इज्जत मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, और आप मीनिंगफुली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो ये चीजें जब आपको दिखाई देती हैं, तभी लोग उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं. उस डायरेक्शन में जब लोगों का रुझान होता है, तो इंस्टीट्यूशंस जो केटर करती हैं उस तरह के लोगों को प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी संख्या बढ़ जाती है. जब वो संख्या बढ़ जाती है, तो इट इज अ कैस्केडिंग इम्पैक्ट. एक ल्यूनर मिशन हुआ या एक सक्सेस हुई, उससे लोगों की रुचि बढ़ी, उस रुचि को देखते हुए कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस खुल गए, वो इंस्टीट्यूशंस खुलने के बाद लोगों का रुझान और बढ़ गया, इंडस्ट्री में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई. तो ये एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट, यू नो, इसे इसे इट इज सिनर्जिस्टिक, नॉट जस्ट कैस्केडिंग, इट इज सिनर्जिस्टिक. दोनों चीजें ग्रो करेंगी, फिर एक इंटरेस्ट भी लोगों का ग्रो करेगा, और लोगों और इंस्टीट्यूशंस भी जो कि उस तरह के लोग प्रोड्यूस कर रही हैं, उनकी भी गिनती गिनती है. अब जैसे आप देखिए कि 60s में आईआईएम स्टार्ट हुए, दो आईआईएम स्टार्ट हुए 61 में, एक आधा आईआईटी स्टार्ट हो गया, दो तीन आईआईटी, सॉरी, दो तीन आईआईटी स्टार्ट हो गए. परंतु ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टुडे वी हैव 20-21 आईआईएम्स, वी हैव 20-21 आईआईटीज, वी हैव अबाउट 20-21 एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस हैं. ये जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिनकी संख्या सिर्फ 7-8-10 थी, वो संख्या बढ़कर अब तकरीबन 100 के करीब हो गई है. ये एक रिफ्लेक्शन है कि ये इनका जो नंबर है वो 10 गुना मल्टीप्लाई हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि 10 गुना लोगों की रुचि भी हुई होगी, और 20 गुना लोगों का इंटरेस्ट भी उजागर हुआ होगा, और 100 गुना लोग जो हैं वो यहाँ अप्लाई भी करते होंगे, और यहाँ पर हजारों लोग जो हैं वो फैकल्टी के तौर पे, रिसर्चर्स के तौर पे ज्वाइन करते हैं. तो एक एक कल्चर क्रिएट हो जाता है. वो कल्चर जब क्रिएट हो जाता है ना, तो वो एक शेप करता है लोगों के माइंड को, लोगों की एस्पिरेशंस को. भारत देश में आज ये कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग कहते हैं कि भाई आईआईटी आया है, आईआईटी आया है. कॉमन आदमी बात करता है कि मैं अपने बच्चे को आईआईएम में भेजना चाहता हूँ या आईआईटी में भेजना. ये उसकी एस्पिरेशन है. हर साल लाखों लोग अपीयर होते हैं, लाखों, उनमें से कुछ हजार यहाँ आ जाते हैं. परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं सिलेक्ट हुए वो कम है या अच्छे नहीं है, दे गो टू अदर इंस्टीट्यूशंस. पर लोगों में इंस्पिरेशन इतनी ज्यादा है कि हर साल जो टेस्ट टेकर्स हैं उसकी जो नंबर्स है वो लार्जली बढ़ते ही जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि लोगों का इंटरेस्ट नीचे, लोगों का इंटरेस्ट ऊपर ही जा रहा है. लोगों को सक्सेस दिखती है कि वो तीन चीजें उनको मिल जाती हैं, जैसे कि एक जीविका कमाने का साधन, दूसरा कि वो अपने समाज में एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और तीसरा वो एक समाज में इज्जत पा सकते हैं. ये तीनों का जो मिश्रण है, ये मेरे ख्याल से लोगों को, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इट्स स्ट्राइकिंग, इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर पीपल. और लोगों को एक नई दिशा मिल जाती है ऑफ थिंग्स टू डू. इट इज ट्रूली इंस्पायरिंग, एंड आई थिंक आज की जो सक्सेस है, ये भी लोगों को उसी तरह से मोटिवेट करेगी. जी, इसी से जुड़ी हुई बात मैं जानना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आज के नौजवानों को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, आपके इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को, क्या साइंस में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट के हवाले से ज़्यादा दिलचस्पी है, अगर हम देखें उनको क्रिकेट में या उनको म्यूज़िक में या लिटरेचर में, वो भी दिलचस्पी उसी रेशियो में बढ़ रही है मूवीज़ में, या वो आपको लगता है कि अब उनका सीरियस इश्यूज़ में और देश की तरक्की और डेवलपमेंट के इश्यू पे बहुत ज़्यादा ध्यान बढ़ रहा है? इस एस्पेक्ट को प्रिसाइजली आप कैसे देखेंगे? देखें, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं. वी कैनॉट से कि फिल्में इंपॉर्टेंट नहीं.
देखें कि एक बहुत पुरानी स्टडी है 1917 की, इसको हम बोलते हैं कुलेशव इफेक्ट या क्यूलशॉव इफेक्ट, वन ऑफ द वेज टू प्रोनाउंस इट, KULESHOV, कुलेशव इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन टू थिंग्स आर पुट टुगेदर इन अ मोशन, इट हैज अ रियली डिफरेंट इम्पैक्ट देन टू हैव देम पुट सेपरेटली, व्हिच मींस शोइंग मल्टीपल पिक्चर्स in a movie, that's why it's called a movie, that's why it's called pictures. We're going to the pictures, क्योंकि you're seeing multiple pictures, उसकी स्पीड है, वो 60 से ज्यादा पिक्चर्स पर सेकंड जा रही है तो आपको मोशन दिख रहा है, तो उसका एक इम्पैक्ट और डीप एंड प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है। इसको गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने रिकग्नाइज किया, इसकी इंपॉर्टेंस को रिकग्नाइज किया। तो they have been used as a tool for advancement of ideas, they have been used as a tool of propaganda. आप देखें कि कितनी फिल्में ऐसी अमेरिका ने, अमेरिका में तो नेशनल रजिस्ट्री है जहां पर वो फिल्मों को स्टोर करते हैं विच आर ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस, हैविंग रिकग्नाइज देम कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये एक समाज की नहीं, एक दुनिया की दिशा एक तय कर देती है, तो इसीलिए स्कूल्स खुल गए फिल्म मेकिंग के, एडिटिंग के, एक्टिंग के, ड्रामा के, थिएटर के। इंडिया ने भी इन चीजों को रेकग्नाइज किया, इसलिए भारत देश में दो बड़ी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं फिल्मों से रिलेटेड, एक है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और दूसरी है FTII, विच इज फिल्म एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। क्या जी, FTII एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हैज प्रोड्यूस सम ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, एडिटर्स, फिल्म मेकर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, डायरेक्टर्स ऑफ ऑल काइंड्स विच हैव कम आउट ऑफ दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट बॉडीज। आप अगर नाम लेना शुरू करें ना, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स, दे हैव ऑल कम आउट ऑफ दीज टू वेरी ग्रेट इंस्टीट्यूशंस। तो इसका मतलब यही है कि देखिए कि यूथ को अगर आपको इंस्पायर करना है तो आपको उसको जरिए भी देने हैं। यूथ का अगर इंटरेस्ट है इन मेकिंग मीनिंगफुल सिनेमा, देन द नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटेटिंग एनवायरमेंट वेयर दे कैन ट्रेन टू बिकम गुड फिल्म मेकर्स। अमेरिका में भी यू नो देर इज स्टिच स्कूल फॉर आर्ट, देर इज यू नो देर आर वेरियस स्कूल फॉर ड्रामा, देर इज ली स्ट्रासबर्ग स्कूल जो एक्टिंग स्कूल है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं अमेरिका में। तो ये देश रिकग्नाइज कर लेते हैं कि यूथ को क्या चाहिए। यूथ को अगर फिल्म मेकिंग के अलावा लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन टू प्रोवाइड देम कंड्यूसिव एनवायरमेंट वेयर दे कैन राइट लिटरेचर, वेयर दे कैन यू नो लर्न हाउ टू राइट लिटरेचर एंड अप्रिशिएट लिटरेचर। ये एक नेशन को एक होलिस्टिक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। आप ये देखें कि अमेरिकन कल्चर आज वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड कल्चर है। आज आप देखें, मैं और आप जो कपड़े पहन के बैठे हुए हैं ना, इनमें कंसिस्टेंसी है। दुनिया के जितने ऑफिसेज हैं दे आर ऑल कंसिस्टेंट, सब ऑफिसेज में एक टेबल होता है, उसके पीछे एक चेयर होती है, उसके सामने कुर्सियां होती हैं। ये कैसे बन गया है ये सब? जब मैं सब बोल रहा हूं, आई मीन 98% ऑफ द ऑफिसेज आर लाइक दैट। ठीक है जी, कैसे बन गए? आपने जो मैंने जो शर्ट पहनी हुई है, इसके आगे बटन होते हैं, ये कैसे बन गए? ये डोमिनेंस ऑफ कल्चर है, उसको प्रमोट किया गया है थ्रू मूवीज, थ्रू मीडिया, एंड अमेरिका हैज डोमिनेटेड दैट। ये शर्ट है, इसके यहां पर भी दो बटन लगे हुए हैं, कैसे आ गया ये? सो अमेरिका डोमिनेटेड द वर्ल्ड थ्रू नॉट जस्ट इट्स साइंटिफिक एडवांसमेंट्स बट ऑल्सो थ्रू इट्स यूथ एंड कल्चरल मूवमेंट। वहां के यूथ ने बाकी दुनिया के यूथ को बताया कि अगर तुम्हें ट्रूली ग्लोबल बनना है तो तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने हैं, इस तरह का म्यूजिक सुनना है, इस तरह की फिल्में देखनी है, इस तरह का लिटरेचर पढ़ना है और इस तरह से बिहेव करना है। आप अपने जीवन में देखिए ताज साहब, द वर्ड एक्सक्यूज मी, हाउ मेनी टाइम्स वी से द वर्ड एक्सक्यूज मी टुडे एज टू हाउ मेनी टाइम्स वी यूज टू से द वर्ड एक्सक्यूज मी 30 years अगो, हाउ मेनी टाइम्स वी कॉमनली यूज द वर्ड सॉरी टुडे and how many times we would use that word sorry 30 years ago. So ये a demonstrable evidence है of a way of life which has been promoted by America to the entire world. इसको scientific terms में बोला जाता है isomorphism.
आइसोमोर्फिक जो वर्ल्ड होता है उसमें आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दुनिया उस स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेती है। तो ये साइंटिफिक एडवांसमेंट्स भी जो है ना, ये आइसोमोर्फिक होती है। आज हमने मून में लैंडिंग की है, ये दुनिया की दिशा बदल देगी। दुनिया में ऐसे ऐसे 500 देश अब हो जाएंगे जो कहेंगे, अरे भाई, कुछ गरीब लोग, गरीब देश कहेंगे, अरे भाई इंडिया कर गया तो हमें करना चाहिए। जो अमीर देश होंगे वो कहेंगे, यार इंडिया जिसकी 140 करोड़ आबादी है और इतना अमीर देश भी नहीं है, वो कर रहा है विद मीगर अमाउंट ऑफ मनी, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। सो ये आइसोमोर्फिक इफेक्ट जो है, इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होगा यूथ के लिए। मूवीज, लिटरेचर, ये साइंटिफिक अचीवमेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स की एक एक ट्रेडिशन है। सारी दुनिया, एंटायर वर्ल्ड गेट्स टुगेदर एंड एंडेवर्स टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट दे आर द बेस्ट। ओलंपिक्स का ओरिजिन क्या है? ओलंपिक्स तो ज्यादा पुराने नहीं है, 120-125 साल पहले से ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं, परंतु एक माध्यम बन गया है टू शो द वर्ल्ड दैट यू आर अमंगस्ट द नेशंस व्हिच डज वेल फॉर इट्स सिटीजंस। अब देखिए, नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्चुअली डूइंग गुड, बट ऑल्सो शोकेसिंग टू द वर्ल्ड। जब चाइना ने अपनी डेवलपमेंट को दुनिया को जाहिर करना था, तो वन ऑफ द वेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो थ्रू विनिंग ओलंपिक मेडल्स। रशिया और यूएसए कंपीट किया करते थे एक दूसरे के साथ कि कौन ज्यादा मेडल जीतता है। ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक की कॉम्पिटिशन हुआ करते थे कि कौन ज्यादा मेडल जीत रहा है। They have continued to contest with each other. So, my heart is, the heart of the matter is, देखिए एक दुनिया में, अगर हम दुनिया में सोचते हैं, अगर हमें कुछ परचेज करना है या कुछ चीज बनानी है, तो इसको हम कैटेगराइजेशन थ्योरी बोलते हैं कि आप वर्ल्ड की कैटेगरीज क्रिएट कर देते हैं। कि अगर आपने किस देश को इवेल्युएट करना है, तो आप कैसे इवेल्युएट करेंगे, कौन सा देश बेटर है, कौन सा कम है। तो आज की डेट में हमने उसके इंडेसेस बना दिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जीडीपी, ठीक है जी, ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम, लॉन्जिविटी, अब उसमें नई चीजें शामिल हो गई, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, स्पेस रेस, ओलंपिक मेडल्स, विक्ट्रीज इन इंटरनेशनल फोरम्स, ये सब चीजें जो है ना, ये एक लोगों को प्रोत्साहित करती हैं कि आर वी बेटर ऑफ टुडे देन यस्टरडे। आज एक कॉमन सिटीजन भारत का ये फील कर रहा है, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि वो फील कर रहा है कि आई एम बेटर ऑफ देन व्हाट आई वाज यस्टरडे। एक एक इदारे की, एक सरकार की, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है अगर वो अपने सिटीजन को ये फील करवा पाए, ट्रू एंड जेन्युइन अचीवमेंट कि आप बेटर ऑफ देन यस्टरडे हैं। एंड दैट बेटर ऑफ के डायमेंशंस कई डायमेंशंस हैं, उसमें दिस इज वन ऑफ द डायमेंशन। सो यूथ ऑफ द वर्ल्ड, उसको क्या चाहिए? उसको मोटिवेशन चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन द बिजनेस ऑफ सिग्नलिंग, वो सिग्नलिंग कर रही है, दे आर सिग्नलिंग, और करना तो लोगों को खुद ही है, परंतु उनको सिग्नल करके ये तो दिख रहा है कि कुछ हो सकता है, देर कैन बी एन अचीवमेंट। सो व्हाट द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड should aspire, learning from what India has been able to do now, is that they have created certain things. मैं इसको बहुत सारे रेफरेंस दे दूंगा। अभी RRR फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड में जीत हासिल की है। अब ऑस्कर अवार्ड की ये तो नहीं है कि ऑस्कर अवार्ड बड़े फेयर हैं और बड़े, दे आर वेरी, दे आर द मॉडल ऑफ, पर ऑस्कर अवार्ड की एक इज्जत बनी हुई है दुनिया में थ्रू अ ग्रेट डील ऑफ अमेरिकन मार्केटिंग, एंड they also recognize some of the very finely made movies. और उनकी एक 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 ग्रुप है, जो वहां के स्क्रीन, वहां के जो एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की एक एसोसिएशन है, अकेडमी के वो मेंबर्स हैं, वो रेट करते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि इंडियन फिल्म RRR ने वहां पर एक जीत हासिल की। इस जीत का और कोई मायना नहीं है, इस जीत का सबसे बड़ा मायना ये है कि इट इज अ रिकग्निशन कि इंडिया से बना हुआ एक प्रोडक्ट, उसकी वर्ल्ड वाइड एप्रिसिएशन, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है, और इंडिया के जो 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 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ
कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं जो उस फिल्म में दिखाए गए हैं, उसकी लोगों को अप्रिसिएशन है, अभी तो फिल्म चली है। उसी तरह से अगर हम उसको मून लैंडिंग से भी लिंक कर दें, तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेबल एविडेंस है कि इंडिया ने एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि वहां पहुंच गया है, और ग्लोबल इसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि पहले हमने सैटेलाइट्स एक ही दिन में, मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क टाइम में तो उसके ऊपर एक बड़ा ही सरकास्टिक कार्टून बनाया था कि उन्होंने दिखाया था कि वो सैटेलाइट्स लेकर आदमी वो ऊपर पहुंचा और बाहर एक आदमी नॉक कर रहा है गाय के साथ। अब मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क टाइम को समझ जाना चाहिए कि भारत देश में अब वो ऐसा सिस्टम नहीं है कि यू हैव टू कैरिकेचर इंडिया थ्रू काउज, बफेलोज, स्नेक चार्मर्स एंड एलिफेंट्स। इंडिया इज नो लॉन्गर अ नेशन ऑफ जस्ट दोस, दे आर स्टिल देयर। आई मीन ऐसा नहीं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट, बट वी ऑल्सो हैव मेनी अदर थिंग्स विच इज दिस। जब हमने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था तो डजन ऑफ कंट्रीज रीच आउट टू इंडिया कि आप हमारी सैटेलाइट ऊपर पहुंचा दीजिए, भी आप इतने सस्ते में कर देते हैं, हम अपना पैसा क्यों बर्बाद करें। उसी तरह से नाउ आई बिलीव फिर देशों की होड़ लग जाएगी। दिस अगेन इज अ टेस्टिमनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट्स, अचीवमेंट्स ऑफ कॉमन इंडियन हाउसहोल्ड्स, जहां पर जहां के माँ बाप स्ट्रगल करके अपने बच्चों को 10वीं 11वीं 12वीं में कंपेटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, फिर उनको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भेजते हैं, लोन लेकर पैसे लेकर बोरो करके अपनी सेविंग्स से अपने पैसे से किसी भी तरह से उनको वो पढ़ाई करवाते हैं। और ये जो साइंटिस्ट हैं नासा के, ये जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, आप इनके बैकग्राउंड्स पढ़िए, इट इज अमेजिंग टू सी वेयर दे हैव कम फ्रॉम। दे हैव ऑल कम फ्रॉम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज। देयर एंडेवर्स एंड देयर अचीवमेंट्स आर अ टेस्टिमनी ऑफ द सक्सेस ऑफ इंडियन मिडिल क्लास। इंडियन मिडिल क्लास हैज प्रोड्यूस्ड दीज ब्रेन्स एंड दे आर डूइंग सो वेल एंड मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट डिस्पाइट हैविंग अ डिसएडवांटेज और नॉट कमिंग फ्रॉम एन अफ्लुएंट सोसाइटी। सो देयरफॉर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे मेजर्स हैं विच आर टेकिंग एवरीथिंग फर्दर, एंड दीज आर ऑल टेस्टिमनी ऑफ जिसे हम कहते हैं कि अमृतकाल। अब ये दीज आर टेस्टिमनी कि वी आर मेकिंग आर प्रेजेंस फेल्ट, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो, चाहे वो कोविड वैक्सीन हो, और चाहे वो हमारे देश के आईटी इंजीनियर्स हों, एंड चाहे वो हमारे आईआईएम के ग्रेजुएट्स हों, हु आर लीडिंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज। यू नेम द टॉप 100 मल्टीनेशनल कंपनीज और उसकी टॉप मैनेजमेंट में आपको आईआईएम का प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। सो दिस इज अ टेस्टिमनी ऑफ टू आवर सोसाइटी, एंड आई पर्सनली वुड लाइक टू यूज योर मीडियम टू थैंक ऑल द पेरेंट्स वो, डिस्पाइट सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, इतनी डिस्ट्रैक्शंस आ गई हैं ये सोशल मीडिया में, ये मैसेजिंग सर्विसेज की, स्टिल दे आर एबल टू मोटिवेट देयर चिल्ड्रन टू फॉलो द ट्रेडिशनल रूट ऑफ वर्किंग हार्ड एंड क्वालिफाइंग एग्जाम्स एंड वर्किंग हार्ड एंड कंसिडरिंग वर्क एज वर्शिप टू बिकम सक्सेसफुल एंड रीचिंग। दिस आई थिंक विल बी अ मोटिवेशन कि एक आम आदमी एक टीम में काम करके, एक आम आदमी एक टीम में काम करके, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई इतना ग्लैमर नहीं है उसमें एक ऐसी अचीवमेंट कर जाता है जिसको सारी दुनिया सैल्यूट करती जी, बहुत अहम आपने बातें की। आखिर में कंक्लूड करते हुए आज की बातचीत को मैं इस एस्पेक्ट से भी आपकी ओपिनियन लेना चाहूँगा, जो आपने पीछे जिक्र भी किया कि बेंचमार्क जो दुनिया के हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, चाहे वो फिल्म के हों, आर्ट के हों, साइंस के हों, वो रीसेंट मॉडर्न टाइम्स में वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथ में है और प्रिसाइजली अमेरिका के हाथ में है। मगर अब हमें वाज़ह तौर पर लग रहा है कि बेंचमार्क भारत भी अब अपने खुद तय करेगा, और जहाँ जहाँ भारत की अचीवमेंट, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो इंटरनेट की दुनिया हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो अब साइंस हो, और चाहे वो सिविलाइजेशन हो, चाहे म्यूज़िक हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, भारत भी इस काम में अब आगे बढ़ रहा है। तो आपको लगता है कि अब किसी शोबे में भी भारत अपने बेंचमार्क को छोड़ने में कसर नहीं छोड़ेगा? क्या आपको लगता है कि नरेटिव में जो मैं और आप बातचीत करते रहते हैं, हम जरा पीछे हैं, अब इसमें भी आगे बढ़ेंगे?
आपने ये बेंचमार्क्स की बात की, मैं ये कहूंगा ये बेंचमार्क्स में हम लोग पीछे हैं क्योंकि नैरेटिव में पीछे हैं। मैं बार बार ये कहता हूं हमें इसके ऊपर काम करना है। मैं आपके व्यूअर्स को थोड़ा तफसील से बताता हूं कि हाउ दीज बेंचमार्क्स आर इंपॉर्टेंट। ताहिर साहब आपने एक टी शर्ट पहनी है, इसके कॉलर ब्लू कलर का है, इसके नीचे डार्क ब्लू कलर है, उसमें व्हाइट स्ट्राइप है, ये आपने क्यों पहनी है? ये आपने क्यों पहनी है? बिकॉज दी अमेरिकन मीडिया एंड अमेरिकन डिजाइनर्स विल टेल यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर व्हाट कलर ऑफ शर्ट इज इन, आर पेस्टल्स इन, आर प्लेन कलर्स इन, इज चेक इन, इज स्ट्राइप्स इन, इज ब्रॉड स्ट्राइप इन। ये जब आप कलर जो है ना, ये वो डिसाइड करके उसके बाद वो मार्केट में आ जाएगा और उसको मार्केट में फ्लड कर दिया। उसके बाद ये फ्लडिंग इस तरह से हो जाएगी कि अगर आप वो नहीं पहनना चाह रहे हैं और दूसरा कुछ पहनना चाह रहे हैं, वो आपको अवेलेबल भी नहीं होगा। और अगर वो ताहिर साहब अवेलेबल हो भी जाएगा तो आपकी सोसाइटी में यू विल रिसीव सोशल सैंक्शंस फॉर नॉट वेयरिंग व्हाट इज अप टू डेट। इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दैट दे टेल यू दैट यू नो ब्रॉड टाई इज नॉट इन, थिन टाई इज इन, यू नो थिन टाई एंड बोल्ड कलर इज इन, लाइट कलर्स एंड स्ट्राइप्स हैं। ये मैं आपको सिंपल एक क्रूड एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को उठा लीजिए, दे हैव क्रिएटेड अ बेंचमार्क टू विच एट द बिगिनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर और बिगिनिंग ऑफ अ सीजन यू आर कन्वेड टू अ वेरी वेल लुब्रिकेटेड साइंटिफिक मशीनरी एंड क्रिएट दैट बेंचमार्क अगेंस्ट विच वी देन मेजर आवर सेल्व्स and then we decide as to what we should purchase and what we should do, what we should pursue, be it education. आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक साइंटिफिक आदमी, एक डॉक्टर बताता है कि थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स सरप्राइजिंगली इज एमडी प्रिस्क्रिप्शंस, प्रिस्क्रिप्शंस रिटन बाय द एमडीज इज द थर्ड लार्जेस्ट किलर इन द वर्ल्ड, परंतु मेडिकल एजुकेशन इज द डोमेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दे प्रोड्यूस सम ऑफ द बेस्ट जर्नल्स, द रिसर्च कमिंग आउट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज द बेस्ट जर्नल्स एंड वी टेक इट फर्दर, हम उसको लेके जाते हैं। आज से 40 साल पहले उन्होंने हमको बोला था कोलेस्ट्रॉल इज बैड, हमने मान लिया, हमने लो कोलेस्ट्रॉल शुरू कर दिया। अब कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल इज गुड, सम कोलेस्ट्रॉल इज गुड, सम इज बैड। ठीक है जी, मैं आपको इसके ऊपर और एक क्रूड एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आप समझ जाएं। देखें कि यू नो टूथपेस्ट मेड एंट्री इनटू आवर लाइफ्स ओनली 150 इयर्स अगो, 150 साल पहले। टूथपेस्ट वाज सोल्ड एज अ वॉर टाइम प्रोजेक्ट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वुड फॉल इन सिक विद द विद द एलिमेंट्स रिलेटेड टू टीथ। तो उन्होंने स्टैंडर्ड वॉर इशू में, वॉर टाइम में पाउडर और एक ब्रश लोगों को देना शुरू कर दिया कि आप इसे यूज करो ताकि आपके दांत में दर्द ना हो। ठीक है जी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टूथपेस्ट हैज बिकम स्टेपल। जस्ट इमेजिन आज पूरी दुनिया में एक ही तरीके से, ठीक है ना जी, 7 बिलियन, 7.5 बिलियन लोग सवेरे उठकर एक चीज लगाते हैं और मुंह में ऐसे ऐसे सिंगल मोशन में हिला रहे हैं। आप सोचिए कितना डिसिप्लिन हमने, अमेरिका ने दुनिया को कर दिया। ये अमेरिकन स्ट्रेंथ है, उनकी स्ट्रेंथ है। उन्होंने कहा कि दांत को एक बार मांजना चाहिए, कुछ सालों के बाद उन्होंने कहा दांत को 2 बार मांजना चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। फिर उन्होंने कहा कि दांत को 3 बार मांजना चाहिए आफ्टर एवरी मील। फिर उन्होंने कहा 3 बार मांजने के बाद आपको माउथ वॉश भी यूज करना है और आपको फ्लॉसिंग भी करनी है। फिर ये सब करने के बाद उन्होंने कहा ये सब करना पूरा आवश्यक है, परंतु 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास भी जाना है। एंड वी हैव बीन फॉलोइंग दैट। अब इसके बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स हैं। You have created a multi-billion-dollar industry of toothpaste and dental products. अब आपने उसमें डेंटल हाइजीन के अलावा कॉस्मेटिक, डेंटिस्ट्री, 50 और चीजें ऐड कर। Is it the right thing to do? I don't know. The answer is preventive healthcare. इंडिया ने जो योगा मूवमेंट शुरू की है, this is a creation of a different benchmark. अमेरिका ने एक बेंचमार्क क्रिएट किया था। योगा इज द 180 डिग्री ऑपोजिट ऑफ व्हाट द अमेरिकन वर टीचिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। अमेरिकन मेडिसिन वॉज ऑल अबाउट क्यूरेटिव हेल्थ केयर, कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको क्योर करने के लिए आप मेडिसिन लें,
ये स्टैंडर्डाइज मेडिकेशन है, आप इसको यूज करें, इससे आपकी चीज। इंडिया में उन्होंने, हमने एक मूवमेंट यहां से चलाई है विच इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, कि आप योगा करिए, आप अल्पहार करिए, आप फास्टिंग करिए। आज डॉक्टर जेसन फंग इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे हैं। अरे हमारी तो ट्रेडिशन रही है भारत देश में फास्टिंग करने की, भाई ओनली टू मील्स अ डे, टुडे वी हैव कम टू दैट। दिस इज चेंजिंग अ बेंचमार्क। अब नाउ द सेकंड चेंजिंग अ बेंचमार्क जो होगी, दैट विल हैपन इन टर्म्स ऑफ हाउ वी ट्रीट आवर सिटीजंस। डू वी हैव टू ट्रीट आवर सिटीजंस बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंफर्ट्स, और वी हैव टू ट्रीट आवर सिटीजंस बाय प्रोवाइडिंग देम राइट टाइप ऑफ थिंकिंग। Is the government responsible for providing all sorts of comfort, which means is every single place supposed to be air conditioned? Is every single road supposed to be paved with bitumen? Is every single house need to be constructed with concrete? I don't know. In India, we will probably start a new benchmark of what is a good life. The definition of good life was given by Americans. The definition of good life was having a house. आपको ताहिर साहब ये याद होगा कि ये द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ ड्राइंग रूम एंड हैविंग अ बेडरूम विद अटैच्ड बाथरूम इज अ नॉर्थ अमेरिकन यू नो प्रोडक्ट, एंड इट हैज नाउ इट हैज बीन एक्सेप्टेड एंड असिमिलेटेड इनटू द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, इट्स अ गुड लाइफ की डेफिनेशन। अमेरिका गेव द डेफिनेशन ऑफ गुड लाइफ व्हिच द एंटायर वर्ल्ड बॉट। दैट गुड लाइफ वॉज एक घर होना चाहिए जिसमें ये स्ट्रक्चर होने चाहिए, एक बेहतरीन गाड़ी होनी चाहिए, टीवी होना चाहिए, एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, ट्रैवल के लिए पैसा होना चाहिए। दिस इज अ डेफिनेशन। इंडिया टुडे इज सिटिंग एट अ कस्प वेयर इट विल गिव द डेफिनेशन ऑफ गुड लाइफ, एंड गुड लाइफ कुड मीन, एंड आई एम स्पेक्यूलेटिंग, दिस इज माय व्यू, आई थिंक गुड लाइफ कुड मीन बीइंग हैप्पी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डज नॉट नेसेसरली मीन इन एन एयर कंडीशन एनवायरमेंट। गुड लाइफ कुड मीन लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर and harmony with the people around you despite diversity. That is good life. Good life could mean living in a house which you can maintain and keep clean and live peacefully, not having an extraordinary size house. And good life could also mean that you could use a car, you could use means of transportation in which you are sharing, like a local or public transportation which you are sharing with other people, not just sitting in the confines of a car which you may be cursing when you're stuck in a traffic. At that point nobody is saying ki main 1 crore ki gaadi mein baitha hu aur main traffic mein aadha ghanta aur baith jaun, logon ko ghar jana hai. So India and Indians have understood what a man wants, what a woman wants in a society, and when I use the word man, I speak for humanity, what the humanity wants, and we are going to be defining what is the definition of good life. Today's events are one step towards taking that direction, and I hope that we will be able to create new benchmarks of what is a good life, and our youth will be inspired to follow those new benchmarks of leading a good life, and not these ones which are resulting in dysfunctionality in families, depression, use of psychotropic substances, violence, conflict with nature, conflict with environment and conflict with people. बहुत बहुत धन्यवाद आपके, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बड़ी आपने अहम बातें की, और आपकी जो बातचीत हमारे साथ होती है हर हफ्ते, मैं ये समझता हूँ कि वो इट्सेल्फ एक बेंचमार्क है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर भारतीय नरेटिव, और जो आप उम्मीद हमें दिलाते हैं आप और हम मिलके जो नया बेंचमार्क है भारतीय नरेटिव का वो हम एस्टैब्लिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की, और उनकी बातचीत हमेशा बहुत एनलाइटनिंग होती है, और मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोफेसर साहब की बातचीत के साथ जुड़ रहे हैं, और जो सीरियस व्यूज़ हैं वो ख़ास तौर पर प्रोफेसर साहब का शो शुरू से आखिर तक देखते हैं, और हम उनका शो इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। आज की बातचीत देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.
subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.